कोविड-19 संक्रमण के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक की गई तैयारियों और उपचार की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, जिले के नोडल अधिकारी SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों में किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला मेडिकल इन्फेक्शन, दूसरा सब्जी मंडी और तीसरा प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण। अब इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो कोरोना का जंग जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा पहले प्रारंभ हुआ था वो विदेश जाने वाले लोगों का है। अब उस समय इस समय जो चीजें प्रासंगिक है वो एक तो जो मेडिकल इन्फेक्शन है वो शुरू हुआ था, कई जगह दिखाई पड़ रहा है। अक्सर ये होता है कि मेडिकल के जो स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर है, वो कहीं ना कहीं संक्रमण दिखाई पड़ता है। लोग जो है वो मृत्यु की चपेट में आ रहे हैं। पहले शुरू में जब आ रहे थे लोग जो मृत्यु हो रही थी वो जो अधिक उम्र के लोग थे उनकी मृत्यु हो रही थी। अभी कुछ प्रकरण ऐसे भी देखने में आ रहे हैं जो कम एज के लोगों की मृत्यु हो रही थी, 35 साल से लेकर के 45 साल के लोगों की भी जो लोगों की मृत्यु दिखाई पड़ती है। और दो चीजें इसमें है, एक तो कोमॉर्बिडिटी का फैक्टर है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर आप चेक करेंगे देखेंगे, अगर हमने उनको बताया था, मेडिकल ऑफिसर्स को बताया था, तो जो टोटल डेथ्स हैं उसके 80% में या तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन दिखाई पड़ रहा है। और हाल के केसेस जो दिखाई पड़ रहे हैं वो सारी आप जानते हैं कि दो चार जनपदों में लापरवाही को छोड़ दिया जाए तो शेष जनपदों ने काफी अच्छा काम किया है। अब देश ने भी और दुनिया ने भी आपके इस कौशल को बहुत अच्छे ढंग से जो है सराहा भी है। लेकिन हमारे सामने चुनौती जो मैंने पिछले VC में भी कहा था उससे पहले जब चतुर्थ चरण का लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तब मैंने इस बारे में कहा था कि कोरोना का जो इन्फेक्शन के 3 प्रमुख कारण हमारे सामने अब चैलेंज के रूप में हैं, उनमें से एक तो मेडिकल इन्फेक्शन को बचाना, दूसरा मंडी से और तीसरा माइग्रेंट लेबर से। ये तीनों अभी हमारे सामने मौजूद हैं क्योंकि हमें आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए मंडी और बाजारों को खोलना पड़ा है, वो अभी हमारे सामने है। मेडिकल इन्फेक्शन की जिससे अत्यंत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, इसके लिए हम लोगों ने कोविड और नॉन कोविड में 2 प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रारंभ की है। कोरोना संक्रमित हर व्यक्ति कोविड हॉस्पिटल में और शेष इमरजेंसी और अनावश्यक उपचार की व्यवस्था, ऑपरेशन की व्यवस्था के लिए नॉन कोविड हॉस्पिटल तैयार किए गए, बड़ी संख्या में प्रदेश के अंदर कार्यरत हुए हैं। एम्स के माध्यम से इन्फेक्शन न फैले इसकी सावधानी। तीसरा माइग्रेंट लेबर, अगर 1 मार्च से हम देखेंगे तो 1 मार्च से लेकर के 30 मई के बीच 30 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर रही है। 30 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है। ये 30 लाख की आबादी जो नई आई है तो स्वाभाविक रूप से इसके प्रति सतर्कता
यह हम सबके लिए बहुत आवश्यक होगा। इसीलिए कल मैंने मेडिकल की टीम के साथ बातचीत की थी।